भारतीय जनता पार्टी गांडे विधानसभा पूर्व विधायक श्री लक्ष्मण स्वर्णकार के नेतृत्व में क्षेत्र भ्रमण के क्रम में प्रेस को संबोधित करते हुए साथ में पूर्व 20 सूत्री अध्यक्ष महेंद्र प्रसाद वर्मा, मंडल अध्यक्ष मीत नारायण वर्मा, ओबीसी मोर्चा अध्यक्ष बाबूचंद साव, ओबीसी मोर्चा प्रदेश प्रवक्ता अर्जुन प्रसाद वर्मा, इंद्रलाल वर्मा, अरुण कुमार शर्मा, अकबर अंसारी सहित कई लोग उपस्थित रहे। क्षेत्र भ्रमण के दौरान देखा गया कि बेंगाबाद प्रखंड क्षेत्र के छोटकी खरगडीहा, बनहती रोड भाया ओझड़ी, बेंगाबाद लुप्ती रोड, पारडी सहिहारी रोड से ये सभी प्रमुख रोड की स्थिति काफी दयनीय है, जहाँ सड़क में तालाब या तालाब में सड़क है कहीं नहीं जा सकता। साथ साथ कई ऐसे ज्वलंत मुद्दों पर चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि बेंगाबाद प्रखंड क्षेत्र के छोटकी खड़गडीहा पंचायत के हरिनवा टाण आंगनबाड़ी केंद्र पिछले 10 वर्षों से सेविका सहायिका का पद रिक्त है, परंतु कोई अधिकारी सुध लेने वाला नहीं है। सभी अधिकारी पदाधिकारी लूट खसोट में मस्त हैं। आज किसानों को अपनी जमीन बचाने के लिए कचहरी का चक्कर लगाना पड़ता है। कब कौन किसकी जमीन बेच दे कहना मुश्किल है। इन दिनों बेगाबाद भूमाफिया का आतंक का अड्डा बन गया है। जी अध्यक्ष जी, बताएंगे आज की बैठक में। आज हम लोग छोटकी खरड़िया मंडल के विभिन्न विभिन्न गांवों में हम लोग भ्रमण किया और भ्रमण करते हुए यहाँ की समस्या, ज्वलंत समस्या, रोड की समस्या है और भ्रष्टाचार। अभी कानून नाम का चीज़ कुछ है ही नहीं, अफसर शाही ठाट है, अफसर लोग जो चाहता है वो करता है। अभी मुख्य में आप देख लीजिए, मेरे गांव अर्थोका जी, अर्थोका गांव में पत्थर का खदान चल रहा है जी, और बीच जंगल में, बीच जंगल से पत्थर निकाला जा रहा है जी, पत्थर को बर्बाद किया जा रहा है। रिलीज भी जो है उनको लोग जो है वो भी नहीं है, जो सरकार का टैक्स भी मिलता है ना वो भी नहीं दिया जा रहा है, और वो जो टैक्स जमा भी होता है वो पैसा कहाँ जाता है भी पता नहीं। और अभी हम लोग को जाने आने के लिए रास्ता जो है मैंने न पता लगता है कि रोड है कि तालाब है, ऐसी स्थिति बन गया है। अभी जो खदान तक जो जाता है वो रोड कहीं भी रोड नहीं है, और हम लोग ग्रामीण लोग जो है रोड बनाते भी हैं तो वो हैवा जो है ओवर लोड लेकर के ऐसा ऐसा चल रहा है कि फोर रोड कहीं रहने नहीं देता है। ग्रामीण रोड में जो पुलिया बना हुआ कहीं एक तो पुलिया नहीं है, सब ध्वस्त कर दिया जा रहा है। और ये जो अफसर शाही ठाट है उन लोग मिली भगत के चलते से इन लोग चला रहे हैं, दिन रात चल रहा है। अभी क्रेशर भी जो है बीच रोड में क्रेशर, कितने लोगों का आँख खराब हो जा रहा है, ये देखने वाला कोई नहीं है। अफसर के यहाँ कहने के बाद उन लोग को सुनने वाला तक नहीं है। बाबूलाल जी, हमारा स्वच्छ मुख्यमंत्री बने थे बाबूलाल जी के काल में, केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार में जो भी रोड बना है वही रोड अभी भी बरकरार है। रघुवर के समय में जिसके बीजेपी के सरकार के समय में जो भी रोड बना है, अभी गिरिडीह से बेंगाबाद ना जो है देखने में एक ही रोड लग रहा है, बाकी कहीं कोई रोड नहीं है। झारखंड मुक्ति मोर्चा कहता है कि झारखंड अलग हमने किया। जिस वक्त में लालू यादव मुख्यमंत्री थे, लालू यादव ने कहे थे कि झारखंड अलग मेरे लाश पर होगा। क्यों नहीं अलग किया उस टाइम में? उस टाइम में तो हम लोग बेचने का काम किए। और जब भाजपा की सरकार आई, अटल बिहारी वाजपेयी की, तो झारखंड अलग भाजपा ने करवाया। और कई तरह का मुद्दा है, विशेष सभी लोग तो बोलवे किए हैं। धन्यवाद जी, बताइएगा क्या बैठक में अहम बात की। हम लोग जो है अभी बेंगाबाद के विभिन्न गांवों में भ्रमण करते हुए यहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं जी। और बेंगाबाद का स्थिति अत्यंत खराब है। ये झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार हेमंत सोरेन जब चुनाव के समय झूठा आश्वासन देकर सरकार बना लिए, ये कहते थे कि बेरोजगारों को रोजगार देंगे, जो बेरोजगार ग्रेजुएट है उसे 7,000 पेंशन देंगे, और कई तरह का झूठी आश्वासन देकर सरकार में आए, किसी को न रोजगार दे रहे हैं न पेंशन दे रहे हैं। जो विकास का काम हो रहा था रघुवर दास के कार्यकाल में वह भी अवरुद्ध हो गया। और आज बेंगाबाद की स्थिति ऐसा है कि
जब हम एनएच से नीचे उतरते हैं, आप इसी पश्चिमी क्षेत्र में जिसमें जिधर आज हम लोग घूम रहे थे, गिरिडीह से जब एनएच में चलते हैं तो वहाँ से बनहत्ती से, बनहत्ती में यदि उतरते हैं, बनहत्ती से जो छोटकी खरडिया का रोड है अत्यंत ख़राब है, पैदल चलने लायक नहीं है, आप वहाँ से बारासोली आ जाइए, बारासोली से एक सड़क निकलती है वह भी ख़राब है, आप वहाँ से और थोड़ा आगे आ जाइए दूधीटांड से, वह भी रोड निकलता है तो वह भी टूटा हुआ है पूरा, आप उधर से आ जाइए छोटकी खरडिया तरफ घूमकर यदि पैसरा टांड से निकलते हैं आप तो वह भी रोड ख़राब है, छोटकी खरडिया से निकलते हैं आप छोटकी खरडिया से गिरिडीह जाने के लिए यह भी रोड ख़राब है। तो आखिर काम क्या कर रही है यह सरकार? यह सरकार कुछ काम नहीं कर रही है, ये केवल लूट खसोट में बंदरबाट में लगी हुई है और ये सरकार जनता को झूठे आश्वासन में फंसाकर, और ये जो गठबंधन की सरकार है झूठे आश्वासन में है, आश्वासन देकर और बंदरबाट में लगी हुई है और झूठा झूठा एक बयान देकर ये कहते हैं कि अभी बाबूलाल जी जो है अभी क्या क्या कह रहे थे। आप तमाम लोग जानते हैं, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है कि शिबू सोरेन सांसद को बेचने के आरोप में जेल जा चुके हैं। ये सीबीआई वाले ये कहते थे कि सीबीआई वाला बहुत मारता है, सीबीआई वाला बहुत परेशान करता है, तो ये सांसद को बेचने का काम किया था और उस समय ये चाहते तो झारखंड राज्य उसी समय अलग हो जाता, लेकिन ये अलग नहीं होने दिया, पैसा लेकर अपने सांसदों को बेच दिया। आप ये जो बाबूलाल जी हैं, बाबूलाल जी के कार्यकाल में ये वनांचल के जब अध्यक्ष थे, इनके आंदोलन से, इनके कार्यकाल में, इनके नेतृत्व में जो आंदोलन हुआ जिसका प्रतिफल आज है कि ये वनांचल जो है अलग हुआ वह झारखंड के रूप में, नाम केवल झारखंड है लेकिन वनांचल का जो प्रारूप था, वनांचल का जो ये नक्शा था उसी के अनुसार मिला है, केवल नाम अलग हुआ है झारखंड, और यह झारखंड जो वास्तव में वनांचल है। तो ये बाबूलाल जी हमारे हैं, आज नेता हुए हैं, हम लोग यहाँ से 14 सीट जीतेंगे, जो इस क्षेत्र में झारखंड में 14 लोकसभा क्षेत्र है 14 जीतेंगे, और आने वाला चुनाव में, आने वाला जो विधानसभा का चुनाव होगा, पूर्ण बहुमत से इनके नेतृत्व में हम लोग यहाँ पर झारखंड में सरकार बनाएंगे और पूर्ण बहुमत की सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार झारखंड में बनेगी जी। अभी जो रोड की स्थिति है हमारे बेंगाबाद प्रखंड क्षेत्र की, जो सबसे महत्वपूर्ण रोड है, छोटकी खरडिया टू बनहत्ती रोड भाया ओझाड़ी, और दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण रोड है अपने बेंगाबाद प्रखंड क्षेत्र के, बेंगाबाद से लुपी भाया भलकुद्दर रोड और भागा बांध से लुपी रोड, ये दो जो सबसे महत्वपूर्ण और सबसे लंबी रोड है हमारा बेंगाबाद प्रखंड क्षेत्र का, ये दोनों की जो दुर्दशा है, साथ ही साथ पारडी मोड़ से जो सहियारी रोड भाया बदवारा, ये इतना महत्वपूर्ण रोड है, एक एक रोड में लगभग 30,000 से 40,000 पॉपुलेशन प्रभावित हो रहा है, लेकिन रोड है या रोड में गड्ढा है ये कहना मुश्किल है। अभी हम बता रहे थे कि चूंकि सरकार का ये निर्देश भी है कि जहां 500 से ज़्यादा पॉपुलेशन है वह गांव को पक्की सड़क से जोड़ना, लेकिन आज हम लोग अमृत महोत्सव मना रहे हैं, 75वें वर्ष पर अमृत महोत्सव मना रहे हैं, लेकिन अपने ओझाडी पंचायत का जो महुआ टाण गांव है आज भी वहां पक्की सड़क पहुंच से दूर है। और एक ज्वलंत समस्या हम बताना चाहेंगे, छोटकी खरडिया पंचायत के हरिनवा टाण आंगनबाड़ी केंद्र, जहां पिछले 10 वर्षों से न सेविका है न सहायिका है, जबकि वह गांव जो चुंगलो और हरिनवा टाण का संयुक्त आंगनबाड़ी केंद्र है जिसका पॉपुलेशन 17-1800 होगा, और 17-1800 पॉपुलेशन में से 90 से 96% वहाँ अनुसूचित जाति के समाज के लोग रहते हैं और 99.90% लोग दिन भर मेहनत मजदूरी करते हैं, तो रात में उसके यहाँ हंडिया चढ़ता है, वैसे गांव की ये स्थिति है कि ना वहाँ आंगनबाड़ी सेविका है न सहायिका है, पिछले 10 वर्षों से वहाँ के लोग ये सरकार की महत्वाकांक्षी योजना जो है उससे महरूम है। तो ये स्थिति है अपने झारखंड प्रदेश की। धन्यवाद जी, बताइएगा आज बैठक रखा हुआ है। आज हम लोग छोटकी खरडिया के क्षेत्र का भ्रमण करते हुए अभी पंचायत भवन आए जी। और हमारे साथ में
श्री महेंद्र प्रसाद वर्मा जी हैं, हमारे साथ बाबू चंद जी हैं, हमारे साथ में अर्जुन प्रसाद वर्मा जी हैं, इंद्रलाल जी हैं, और छोटकी खगड़िया के मंडल अध्यक्ष मित नारायण वर्मा जी हैं और अन्य लोग थे। उसमें वहाँ से आने के बाद में हम लोग इस बात की बात करते हैं कि जो अभी भट्टाचार्य ने जो एक बयान दिया कि बाबूलाल मांडी विधायक बेचते हैं, लेकिन ये सांसद बेचने वाले झारखंड मुक्ति मोर्चा, सांसदों को बेचने वाले झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता, और जिसके कारण इन लोग जेल की हवा खानी पड़ी। आज 1992 में जिस समय नरसिम्हा राव की सरकार थी उसमें सरकार गिर रहा था, और बचाने के लिए झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो 5 सांसद थे उसके उन लोगों के पास गए, और झारखंड मुक्ति मोर्चा के 5 सांसद 10 करोड़ रुपया में बिक गए, जिस कारण इन लोगों को जेल की हवा खानी पड़ी। ये परिस्थिति इन लोगों का उस समय नहीं चाहता तो झारखंड राज्य का गठन हो गया रहता, लेकिन इन लोगों ने झारखंड राज्य को बेचने का काम किया। भट्टाचार्य को इस बात को कहना चाहिए कि जिस समय आज के 4 वर्ष पहले हेमंत सोरेन जी और उनके महागठबंधन के लोग घूम घूम करके आम जनता को ठग रहे थे कि हमारी सरकार बनेगी तो हम जो है सो बेरोजगारी भत्ता देंगे, 12 टीचर को अस्थायीकरण करेंगे, किसानों का ऋण माफ करेंगे, ये अनेकों घोषणाएं उन्होंने किया। बल्कि उन्होंने यह भी कहा कि जितने सड़क है, ग्रामीण सड़क है, उस सड़क को हम मरम्मत करेंगे, उस सड़क को बनाएंगे। और आज 4 वर्ष बीतने के बाद में भी हम लोग भी भ्रमण के दौरान में गए थे, और कई जगह पर सड़कों का जो हमने देखा वो सड़क गड्ढे में तब्दील हो गया है, कहीं सड़क चलने के लायक नहीं है। सरकार ने 4 वर्ष के दरमियान में कुछ नहीं किया, ठगने का काम किया। सुप्रियो भट्टाचार्य को चाहिए, आप सरकार में चाहिए इस बात को कहने के लिए कि हमने 4 वर्ष के दरमियान में अमुक काम हमने किया इस राज्य के लिए, लेकिन वह नहीं करके लोगों को भड़काने के लिए, लोगों को मैंने बहलाने के लिए वो कहते हैं कि बाबूलाल मांडी विधायक बेचती हैं। इसलिए हम लोग इसका विरोध करते हैं और इसका खंडन भी करते हैं। आखिर कौन होगा जिम्मेदारी? जिम्मेदार जो सरकार में रहता है। अभी सरकार में हेमंत सोरेन की सरकार है, हेमंत सोरेन पूर्ण रूप से जिम्मेवार है, झारखंड मुक्ति मोर्चा जिम्मेवार है, और दल के लोग जिम्मेवार, कांग्रेस के लोग तो जिम्मेवार है ही, उसका कोई महत्व ही नहीं है। लेकिन मैंने है झारखंड मुक्ति मोर्चा, हेमंत सोरेन की सरकार है, वो मुख्यमंत्री है, सारा जिम्मेवारी उनकी है। उन्होंने नहीं किया तो ये अपनी जिम्मेवारी लेना चाहिए।